विनोद जी स्थान पर बैठ जाएं, अपना फोन सभी स्विच ऑफ कर लें, सेल्फी किसी ने नहीं लेनी है, और ऊपर यदि फोन चलाने के लिए एक बार सीक्वेंस देख लें, फोन पड़ाएंगे। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत अखंड हो। भारत जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की, हर हर महादेव। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं करणे विष्णुनयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिवीर्यजत्राः तिरेरङ्गये तिष्ठवाद्वंशस्तनो विर्व्यासेम देवहि तय्यदायोः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्राणश्चक्राचरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादेशतायुर्गन्तोः अदेतिर्द्योरदेतिरन्तरिक्षमदेतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदेतिपञ्चजना अदेतिर्जातमदेतिर्जनित्वम् द्योशान्तिरन्तरिक्षगोशान्ति पृथिवी शान्तिरापश्चान्तिरोषादयः शान्तेः वनस्पतयः शान्तिश्चान्तिरेव शान्तेः यतो यतः समीहासे ततो नो अभायं गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वायन्न पशुभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के गणित विभाग तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैदिक गणित सम्मेलन विज्ञान तकनीकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान के उभरते आयाम तथा वैदिक गणित का अनुप्रयोग विषय पर इस गरिमामय सत्र के सारस्वत अतिथि व सारस्वत वक्ता श्री ऋग्वेदीय पूर्वामनाये गोवर्धन मठ पूरी पीठ के वर्तमान 145वें श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, इस सत्र के अध्यक्ष परम सरदे
भाई अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, गणमान्य अतिथिगण, विद्वान प्राध्यापक साथियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, मीडिया बंधुओं, सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। युग युगांतर से भारत अवतारों, ऋषियों, मुनियों, संतों की पुण्य स्थली और वेदों की रचना स्थली रहा है। ऋग्वेद संसार का प्रथम लिखित दस्तावेज और मानवता की धरोहर है। यह देश भारतीय ज्ञान संपदा के कारण ही जगत गुरु के नाम से विश्व विख्यात रहा है। वैदिक ऋषियों की इसी परंपरा में आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ, जो साक्षात शंकर के अवतार माने जाते हैं। आपने भौतिकवाद का खंडन और अद्वैतवाद का मंडन करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। आदि शंकराचार्य जी का दर्शन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आप कर्म, ज्ञान और उपासना के साकार स्वरूप थे। शंकर शंकर सम, यह उक्ति उनके विराट व्यक्तित्व की परिचायक है। चारों दिशाओं में चार धामों, चार पीठों की स्थापना करके देश को एकता के सूत्र में पिरोया, जिनका आधार चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। परम पूज्य 143वें जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने अथर्व वेद से खोजे वैदिक गणित के सूत्रों का सूक्ष्म चिंतन, विवेचन, विश्लेषण करते हुए अनुसंधान के क्षेत्रों में वैदिक गणित की उपयोगिता को विश्व में उद्भाषित किया है। परम श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती उसी परंपरा में विश्व में भारत को उन्हें जगत गुरु के पद पर स्थापित करने और भारतीय ज्ञान की विलुप्त होती वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित करने का श्रेय आपको जाता है। अब मैं श्री रामजी चौथाई वाला से निवेदन करता हूं कि आप आए और आसन पर पुष्प अर्पित करने के लिए पधारे। श्री रामजी चौथाई वाला, प्रोफेसर दिनेश मदान जी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, गणित विभाग के अध्यक्ष से प्रार्थना है कि आप माल्यार पादुका पर माल्यार्पण करने की कृपा करें। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी से निवेदन है कि आप आज के सारस्वती अतिथि को सम्मान भेंट व माल्यार्पण करके अभिवादन करने की कृपा करें। प्रोफेसर कैलाश जी से निवेदन है कि आप दंडी स्वामी जी को माल्यार्पण करके अभिवादन करें। प्रस्ताविका के लिए श्री रामजी चौथाई वाला को सादर आमंत्रित करता हूं। परम श्रद्धेय गुरुदेव को
सादर वंदन। इस समय उपस्थित सभी वैदिक गणितानुरागी सज्जन वृंदों को भी वंदन। पूज्य गुरुदेव विरचित पूर्वाम नायक गणित प्रथम भाग के बारे में हम सबको गुरुदेव जी के वैदिक गणित के कार्य के बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। वैसा तो ये सारा विश्व पुस्तक का भंडार माना जाता है, लेकिन बहुत थोड़े पुस्तक ऐसे होते हैं कि उनको ग्रंथ नाम से जाना जाता है। ग्रंथ शब्द का अर्थ ही अलौकिक प्रयोजन उद्देश्य न प्रवृत्त वाक्य समुदाय ऐसा होता है। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वैदिक गणित और सारे अन्य विषयों के सारे ही पुस्तक ग्रंथ इस दृष्टि से ही माने जाते हैं और उसका अभ्यास किया जाता है। वैदिक गणित के विषय में आपके जो चिंतन है उसका थोड़ा सा उल्लेख मैं करूंगा, बाद में उसका पूरा सारा विवेचन करने के लिए साक्षात स्वयं गुरुदेव यहाँ उपस्थित है तो हमें वो मार्गदर्शन करेंगे। वेदांत सम्मत तत्वमीमांसा को आधार मानकर इकाई स्थान पर एक की गणना प्रथमांक दृष्टि से तथा एकाधिक कर नौ को चरमांक एवं शून्य को स्थान की दृष्टि से प्रथमांक श्री गुरुदेव ने प्रथम बार सिद्ध किया है। अंक और दशमलव पद्धति का निर्माण और विकास हम सब जानते हैं कि भारत में वेद काल से हुआ है। ऋग्वेद का मेधातिथि नाम के ऋषि का जो सूक्त आता है उसमें पहली बार एक से लेकर परार्ध संख्या का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता जो रुद्र अभी थोड़ी देर पहले उसके मंत्र यहाँ गाए गए उसका जो आखिरी अनुवाक है 11वां उसमें भी भगवान शिव से अंक मांगे गए हैं, एका चमे तिस्र चमे पंच चमे। यानी इस प्रकार से हमारे यहाँ धारणा थी कि अंक का इतना महत्व है। गुरुदेव ने जो विचार रखा है वो ऐसा है कि अंक इस प्रकार से होते हैं कि अंक की साधना करने वाला, अंक यानी गणित, गणो गणितम ऐसा उनका एक सूत्र है। तो अंक या गणित की साधना करने वाला व्यक्ति चारों पुरुषार्थों का धनी हो सकता है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका धनी हो सकता है यदि वो बहुत श्रद्धा से गणित का अध्ययन करे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अंकात संजायते अर्थः, अंकात कामो भी जायते, अंक एव अपवर्गाय, अपवर्ग यानी मोक्ष, अंक एव अपवर्गाय तस्मात अंकम समाचरेत। गणित विषय के प्रति ऐसी धारणा रखने वाले एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व आज हमारे बीच उपस्थित है। उसी प्रकार उन्होंने रिकरिंग डेसिमल जिसको आज हम कहते हैं आवर्त दशमलव, इस विषय के संबंध में जो महाराष्ट्र भारती कृष्ण ने तीन विधा बताई थी उन तीन विधाओं का बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण और बहुत ज्यादा विस्तृतीकरण किया है, जिसके आधार पर हम अभ्यास करने वाले भी लोग जो वैदिक गणित जानते हैं वो भी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार से भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा जो स्पष्टीकरण किया गया है उसका गुरुदेव ने और विस्तार किया है। वो सारा विस्तार बहुत ही स्तिमित करने वाला है। हम सब पाए के बारे में भी जानते हैं, लेकिन पाए तो ग्रीक शब्द है, तो पाए के लिए संस्कृत का शब्द क्या हो सकता है? सारे ग्रंथ में हमारे पाए के बारे में विचार मिलता है, आर्यभट्ट से लेकर उसके पूर्व भी लेकर, या वायु पुराण कहो, ब्रह्मांड पुराण कहो, भविष्य पुराण कहो, सब जगह वृत्त के परिधि और व्यास का प्रमाण दिया गया है और वो प्रमाण सामान्यतः तीन से नजदीक है, तीन या तीन से नजदीक है। इसका मतलब है कि बहुत पहले से हमें उस गुणोत्तर की कल्पना थी, लेकिन हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमारा गुणोत्तर है लेकिन हम उसको पाए नाम से पुकारते हैं। पाए तो ग्रीक है, इसलिए गुरुदेव ने एक नया शब्द प्रचलित किया है पव्या, प यानी परिघ, व्या यानी व्यास,
परिघ और व्यास, इसके आद्य अक्षर को जोड़कर जो शब्द तैयार होता है वो है पव्या। तो हम इस शब्द का प्रयोग हम अब आगे से सभी अपने व्यवहार में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वैदिक गणित शब्द की जो उन्होंने व्याख्या की है उसके बाद तो इस विषय या इस शब्द के बारे में जितने भी भ्रम है वो सारे दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वैदिक गणित शब्द का अर्थ न केवल ऋगादि चतुर्वेद में अन्निहित सन्निहित गणित है, परंतु वैदिक परंपरा में वर्धित सारा ही गणित इस परिवेश में आता है। इस प्रकार से वैदिक गणित के एक अत्यंत प्रकांड विद्वान आज हमें यहाँ संबोधित करने के लिए उपस्थित है। मैं अपने सब की ओर से और मेरे ओर से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने उद्बोधन से और आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित